नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। ड्रग्स लेने वालों के कानून में केंद्र सरकार करेगी बदलाव, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले का बयान। बुढ़ाना में किसान दंपति की दिवाली अनशन मंडप में, 12 दिन से चल रहा है अनशन। और अनिल देशमुख के वकील पहुंचे एनसीबी कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। ड्रग्स लेने वालों के विरोध में केंद्र सरकार कानून बदलने की तैयारी में होने का सनसनीखेज खुलासा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकारों से बात करते हुए ड्रग्स लेने वालों को जेल में ना भेजा जाए ऐसा भी कहा। जिस तरह से सिगरेट और शराब पीने वालों को जेल में नहीं डाला जाता, उसी तरह से ड्रग्स लेने वालों को भी जेल में ना डालते हुए व्यसन मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए। इसी तरह कानून में कुछ बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। इस बात का खुलासा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दोंडाई के वरवाड़े नगर परिषद में विविध विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कही। वहीं समीर वानखेड़े को राज्य सरकार द्वारा बदनाम करने का भी आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लगाया। त्याबद्दल आमच्या मंत्रालयाचं म्हणणं असं आहे की जसं दारू पिणाऱ्याला आपण जेलमध्ये टाकत नाही, सिगरेट पिणारा बिडी पिणारा त्याला आपण जेलमध्ये टाकत नाही, तर ड्रग घेणाऱ्याला जेलमध्ये न टाकता त्याला नशामुक्ती केंद्रामध्ये त्याला सुधारण्यासाठी पाठवलं पाहिजे आणि त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये बदल करण्यासाठी नशामुक्ती केंद्र अत्यंत त्यासाठी उपयुक्त आहे। आणि म्हणून सध्या जो कायदा आहे की ड्रग घेतल्यानंतर त्याला जेलमध्ये टाकण्याचा कायदा आहे, त्या कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या संबंधात आमचं मंत्रालय विचार करत आहे आणि लवकरच त्या संबंधाचा जर कायदा झाला तर ड्रग येणाऱ्याला जेलमध्ये न पाठवता त्याला नशामुक्ती केंद्रामध्ये पाठवण्यात येईल। मला असं वाटतं की समीर वानखेडे हे दलित समाजाचे आहेत, ते अत्यंत ॲक्टिव्ह अधिकारी आहेत, ड्रग मुक्त मुंबई करण्यासाठी त्यांनी ॲक्शन घेतलेली आहे, त्यामध्ये व्यक्तिगत त्यांचा कसलाही फायदा अजिबात नाही। जे आरोप प्रत्यारोप चाललेले आहे त्यामध्ये असेच आरोप प्रत्यारोप चाललेले आहेत आणि समीर वानखेडेला एनसीबीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। हे सरकार जे आहे, सरकार ड्रगला पाठिंबा देणारं सरकार आहे। हे सरकार जे आहे ते मुद्दाम भारत सरकार काहीतरी सांगतं आहे असा काही विषय अजिबात नाही। आम्ही समीर वानखेडेला काय थोडंच आम्ही सांगितलं होतं, त्यामुळे समीर वानखेडेला ज्यावेळेला काय आर्यन खानच्या संबंधामध्ये पुरावे मिळाले त्यावेळेला त्या क्रूवरती जाऊन जवळजवळ 19 लोकांना पकडलेलं आहे आणि त्यांना जामीन मिळाला नाही 22 दिवस। याचाच अर्थ असा आहे की एनसीबीकडे मोठे पुरावे होते, जर खोटा आरोप त्याच्याकडे असता, त्याच्याकडे त्याने ड्रग घेतलं नाही, त्याच्याकडे ड्रग नव्हतं ही सगळी माहिती असती तर कोर्टाने समीर वानखेडेला फटकारलं असतं, एनसीबीला फटकारलं असतं, पण 22 दिवसामध्ये असं झालेलं नाही आहे। त्यामुळं समीर वानखेडेवर नवाब मलिकचे आरोप अत्यंत बेबुनियाद आहेत, अत्यंत चुकीचे आहेत आणि व्यक्तिगत जीवनामध्ये जाऊन त्यांनी असे आरोप करणं योग्य नाही आहे। ड्रग्सच्याबद्दल त्यांनी बोलायला हरकत नाही आहे, ड्रगबद्दल काय त्याचं म्हणणं असेल तर, पण व्यक्तिगत जीवनामध्ये जाऊन त्यांनी त्यांची बदनामी केलेली आहे आणि म्हणून रिपब्लिकन पक्ष आज समीर वानखेडेच्या पाठीशी उभा आहे। सरकारी कार्यालय के सामने किसान दंपति अपने विभीषण मांगों के लिए अनशन पर बैठे हैं। वहीं चारों ओर दिवाली पर्व का उत्साह है तो इस किसान दंपति की दिवाली अनशन मंडप में ही बीती। चारों ओर दिवाली का उत्सव देखने को मिल रहा है लेकिन एक किसान दंपति अनशन पर बैठे हैं। प्राकृतिक संकट से परेशान किसान को अब तक मदद ना मिलने से उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है जिसके चलते उनकी दिवाली अनशन मंडप में ही बीत रही है। 12वें दिन भी उन्होंने बुढ़ाना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपना अनशन जारी रखा है। खामगांव तहसील के कंचनपुर के तुकाराम सीताराम शेवाले इनके सावरखेड़ परिसर में 4 एकड़ खेती है। इस खेत से आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। गांव के दौलत लक्ष्मण ढोरे और अन्य खामगांव के उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव और तत्कालीन तहसीलदार शीतल रसाल को राजस्व कर्मचारियों को सामने कर गट क्रमांक 43 को गट क्रमांक 37 दिखाकर खेत में से रास्ता बनाने का कई बार प्रयास किया गया। अधिकारियों द्वारा भी उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। इस समस्या से परेशान होकर किसान तुकाराम शेवाड़े 30 अगस्त 2021 को खामगांव SDO कार्यालय के सामने अनशन को बैठे थे। उन्हें खामगांव के प्रभारी तहसीलदार राहुल तायडे ने लेखी पत्र देकर अनशन तोड़ने कहा था।
लेखी पत्र भी किसान शिवाली को 19 अक्टूबर को एसडीओ खामगांव ने नोटिस भेजकर सरकारी काम में दखलअंदाजी के लिए मामला दर्ज करने की धमकी दी है। इसलिए प्रशासन के इस रवैये से परेशान होकर किसान तुकाराम शिवाले और उनकी पत्नी सविता शिवाले 25 अक्टूबर से अनशन पर बैठी है। त्रेचाळीसच्या शेतीला दोन्ही बाजूनी नाले मोठमोठे नाले आहेत व तिथं शासनाने जलयुक्त बंधारा बांधलेला आहे। तरी पण विनाकारण माझ्याहून नायब तहसीलदार व तहसीलदार उपयोगी अधिकारी राजेंद्र जाधव हे मला वारंवार त्रास देतात। माझा गट नंबर 43 असल्यावर मला ते नोटीस देऊन सांगतात की तुम्ही दुसऱ्याची शेती वैती करता। माझ्या नावाचा 7-12 असल्यावर 43 मालकसुद्धा मी आहो व साहेब म्हणते तुम्ही सोदतीची शेती दुसऱ्याची शेती वाहता म्हणते। मी हा एसडीओ साहेब श्री राजेंद्र साहेब मी हे जगात 1 समजून आले वरपात झाले का पैशामुळे लागले हे मला सध्या गरीबाले समजत नाही। माझ्या कागदपत्र असून मला न्याय भेटत नाही आणि यांचे लेखीला यांचे बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी साहेब हे सर्व कर्मचारी त्यांची भाषा ऐकतात मला गरीबाला न्याय भेटून नाही राहिला। तसेच मी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव एसडीओ कार्यालयासमोर मी 30-8-2021 उपोषण केले असता मला श्री राहुल ताळे साहेब यांनी लेखी पत्र लिहून दिले की नाल्यामधून कोणत्याही प्रकारचा रस्ता देता येणार नाही। तरी माझी पत्नी 7 जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर यांच्या ऑफिससमोर उपोषणाला बसले असता त्यांनी सुद्धा लिहून दिले की नाल्यातून कोणत्याच प्रकारचा रस्ता देता येत नाही। तसे झाल्यावर सुद्धा एसडीओ साहेबांनी मला 19-10 नोटीस पाठवली। नोटीसमध्ये असे नमूद केलेलं आहे की तुमची मोक्षारची तुम्ही गट नंबर 37 शेती व्हायता आता मोक्षारचं शेत गट नंबर 43-712 खरेदी असताना माझ्या नावानं असल्यावरसुद्धा दोन्ही नाले लागू नसल्यावरही साहेब म्हणते की तुम्ही जर अडथळा घातल्यास तुमच्यावर कठोर ते कारवाई केल्या जाईल। साहेब आम्हाला न्यायासाठी बसलो आम्ही। साहेब म्हणते तुम्ही 37 शेती व्हायता असं तोंडी साहेब सांगते साहेबाने सिद्ध करून द्या। गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह एनसीबी कार्यालय में पहुंचे। वकील इंद्रपाल सिंह सभी दस्तावेज के साथ एनसीबी कार्यालय गए थे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को अनिल देशमुख की कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, इसी के चलते वकील इंद्रपाल सिंह एनसीबी कार्यालय में पहुंचे थे और वे सभी दस्तावेज के साथ एनसीबी कार्यालय गए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही कहा कि अनिल देशमुख को जमानत दिलाने की कोशिश जारी है। जमानत अर्जी के लिए उनके पास ये रेमेडी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है कि आप जाइए, अब जाना नहीं जाना उन पर निर्भर करता है। अभी आप आए हैं, क्या वजह बताने वाले हैं ईडी अधिकारियों को? आप दस्तावेज के साथ पहुंचे हुए हैं? हाँ, मैं बिल्कुल दस्तावेज के साथ पहुँचा हूँ कि हमें ये एप्रिहेंशन है और हमें ये डर है कि हमारे साथ में भी धोखा हो सकता है, तो वो किसी प्रकार का कुछ प्रोटेक्शन कैसे मिलता है और उस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ऋषिकेश देशमुख क्या मुंबई में है, राज्य में है, बाहर है? नहीं, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। क्या अगले साल अगला सम्मान मिलता है तब वो आएंगे? उस दिन भी बीच में मुझे लगता है कि लीगल रेमेडी अवेल करेंगे शायद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। घोटाले की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई। अब तो इस घोटाले में आरोपी ठेकेदार के अधिकारियों से गलबहिया डालने की चर्चा है। नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक पर घोटाले के आरोप में पुलिस में मामला दाखिल किया गया है। उसे भारी प्रयासों के बाद अग्रिम जमानत भी मिली है। अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि घोटाले के जिस आरोपित ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, वह जलापूर्ति विभाग से संबंधित ठेकेदार के माध्यम से कार्य कर रहा है। ये भी पता चला है कि इसकी जानकारी जब CEO योगेश कुंभेजकर को लगी तो उन्होंने विभाग प्रमुख पर नाराजगी जताते हुए आड़े हाथ लिया है। नानक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ठेका लेते समय FD भरी गई थी, लेकिन अधिकारियों के साथ सेटिंग कर काम पूरा होने के पहले ही वह FD की रंगीन जेरोक्स प्रति जोड़कर रकम वापस ले ली गई। उसी रकम से दूसरे काम वह करता था। ये घोटाला उजागर होने के बाद जिला परिषद में हड़कंप मच गया था। जिला परिषद की आम सभा में भी ये घोटाला गूंजा था। तब सदर पुलिस थाना में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की गई। उसे ब्लैकलिस्टेड करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। FD घोटाले का मामला कुछ सत्ताधारी के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने उठाया था। इसके साथ नियमानुसार कार्रवाई शुरू होने के चलते सभी शांत हो गए, लेकिन अब प्रत्यक्ष में नानक कंस्ट्रक्शन का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता ने सब कुछ भुलाकर उसे दिए गए 7-8 रुपए के कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। जब इसकी जानकारी CEO को लगी तो उन्होंने कार्यकारी अभियंता को बुलाकर आड़े हाथ लिया।
उन्होंने नानक कंस्ट्रक्शन को दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया करने का निर्देश दिया है। राजधानी नागपुर शहर में आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं चोरी और लूटमार की घटनाओं में भी इजाफा आया है। पुलिस द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंधात्मक उपाय करने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस बीच दोपहर के वक्त अपने घर में सो रही एक महिला को दो अज्ञात आरोपियों ने चाकू की नोक पर जान से मारने के लिए धमकाया और फिर 1,35,400 रुपये का माल लूट लिया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से परिसर में दहशत मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पकुंज समाज भूषण सोसाइटी न्यू मनीष नगर निवासी योगिता गोविंदरा श्रीरामन दोपहर करीब 3 बजे अपने घर पर सो रही थी। उनके सास ससुर बाहर से ऑटोमेटिक लॉक करके किसी काम से बैंक गए हुए थे। इस बीच दो अज्ञात आरोपी उनके घर पहुंचे और फर्जी तरीके से घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। उन्होंने घर में सो रही योगिता के गले पर चाकू लगाकर शोर मचाने से मना किया और ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने घर से 1,35,000 रुपए के सोने चांदी के गहने और 400 रुपए नकद समेत 1,35,400 रुपए का माल लूटकर भाग गए। योगिता ने तुरंत पुलिस और अपने रिश्तेदारों को जानकारी दी। बेलतोड़ी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल है। कई परिवार में बुजुर्ग लोग रहते हैं, वहीं त्यौहार का सीजन होने से लोगों को एक से दूसरे गांव और शहरों में आना जाना है। इस हालत में इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में दहशत निर्माण कर रही है। चौराहों सहित डिवाइडर के सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल नहीं होने से हालात खस्ता हो गए हैं। ये सिलसिला वर्षों से जारी है, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनता के टैक्स से जमा की गई रकम का किस तरह दुरुपयोग विकास में बाधक बना हुआ है। 2 वर्ष पहले मेडिकल चौक पर शानदार सौंदर्यीकरण किया गया था, फूलों के पौधे लगाए गए थे, लेकिन मार्च में लॉकडाउन के बाद हालत बिगड़ने लगी। अब स्थिति देखते ही बनती है। भीतर बने फव्वारे सूख गए हैं, लोहे की रेलिंग टूट गई है, फूलों के पौधे की बजाय घास उग गई है। नागपुर शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर मनपा की उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। यदि किसी चौराहे या डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण किया गया तो वह कितने दिन तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसकी मुख्य वजह है मेंटेनेंस के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही। 2 वर्ष जनवरी में मेडिकल चौक पर शानदार सौंदर्यीकरण किया गया था, फूलों के पौधे लगाए गए थे, हरी घास बिछाई गई थी। कुछ दिनों बाद चौक की सुंदरता में 4 चांद लग गए, लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन के साथ ही पौधों को पानी देना बंद कर दिया गया। अप्रैल और मई में भी लॉकडाउन होने से देखरेख नहीं हो सकी, परिणाम स्वरूप हरियाली पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ लेकिन सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। बारिश के दिनों चौक के भीतर घास उग गई थी, घास के साथ ही अन्य खरपतवार भी उगने लगे। कुछ जगह लोहे की रेलिंग टूट गई, फव्वारे सूख गए, फव्वारे के लिए बनाए गए स्टैचू भी टूट गए हैं। चौक के भीतर इतनी ऊंची घास उग गई है कि कुछ भी नजर नहीं आता। परिसर के नागरिकों ने बताया कि चौक पर सौंदर्यीकरण किए जाए तो सुंदरता में 4 चांद लग सकते हैं, लेकिन मनपा प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। केवल मेडिकल चौक पर ही नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी ये अवस्था देखने को मिलती है। एक बार सौंदर्यीकरण करने के बाद देखरेख के लिए लावारिस छोड़ दिया जाता है। कई बार आवारा मवेशी पौधों को खा जाते हैं, लोहे की रेलिंग तोड़कर लोग चुरा लेते हैं। मेडिकल चौक से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, इसके बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर की सुंदरता के लिए योजनाएं तो बनाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में बरती जा रही लापरवाही की वजह से ही अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिपुरा में हो रहे मुस्लिम समाज पर अन्याय के विरोध में शुक्रवार को
उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा फारूक नगर मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान त्रिपुरा में की जा रही हिंसा की निंदा करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। देश भर में इन दिनों त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के साथ किए जा रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नागपुर के फारूक नगर मैदान पर शुक्रवार को उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम द्वारा त्रिपुरा की घटना की निंदा की गई। मुस्लिम समुदाय ने इस दौरान दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर मुस्लिम समाज को न्याय देने की मांग करते हुए अपने विचार बीकेबी न्यूज के साथ साझा किए। उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के तत्वाधान में विगत कई दिनों से हो रही त्रिपुरा में मुस्लिम धर्म पर कट्टरवादी संगठनों द्वारा की जा रही हिंसा के विरोध में और शांति दूत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं सारी इंसानियत के पैगंबर हैं, उनकी शान में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज उत्तर नागपुर मुस्लिम फोरम के द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन फारूक नगर के ऐतिहासिक शाहीनबाग मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें विविध क्षेत्र में रहने वाले हमारे तमाम मुस्लिम धर्म गुरु हमारे इंटेलेक्चुअल्स सबकी सहभागिता के साथ इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया गया। आज जो ये प्रोटेस्ट का कार्यक्रम यहाँ पर फारूक नगर मैदान में रखा गया है, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक है, जिन लोगों ने त्रिपुरा में जो ये घटना की, मुसलमानों के साथ में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ये जो वाहियाताना काम किया है, जो मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया है, मुसलमानों के घरों को जलाया है, मुसलमानों के ऊपर में जुल्म सितम और अत्याचार किया है, हमारी मुकद्दस किताब जिसे हम कुरान शरीफ कहते हैं, उस मुकद्दस किताब जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, उस मुकद्दस किताब को जलाया है, इसकी हम सरेआम निंदा करते हैं। और ऐसे संगठन को, जो संगठन जैसे आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है और भी जो असामाजिक तत्व के संगठन है, मैं ऐसे संगठन को आतंकवादी संगठन कहूँगा, जो हमारे मुल्क की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। टीम द्वारा आयोजित एक दिया शिव भक्तों और शिव कन्या का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्रपति चौक में दीपोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ों दिए लगाए गए। दिवाली के दौरान घर घर दीपोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दिवाली मनाने के लिए एक दिया लगाने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त उपस्थित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष के साथ सैकड़ों दिए लगाए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ब्लड डोनर ग्रुप का भी सहकार्य इस कार्यक्रम में मिला। वहीं दीपावली में पटाखों का जो कचरा होता है वो साफ करने की जिम्मेदारी पटाखे फोड़ने वालों ने ही लेने का आह्वान आयोजक द्वारा किया गया। आपण जसं घरी दीपोत्सव साजरा करतो, तर माझं एक संकल्पना होती की यावर्षीपासून आपण ज्यांच्या पुढे आपण करतोय दीपोत्सव सोहळा, तर त्यांच्यासोबत काय नाही करायचा, तर एक छोटासा प्रयत्न यावर्षीपासून आपण चालू केलेला आहे। तर हर वर्षी ही मोहीम आपण राबवूया, याचं नाव आपण एक वर्धा विभाग मोहीम म्हणून ठरवलेलं आहे। ही ना कुठली संस्था आहे, ना कुठला ग्रुप आहे, आपण एक वर्धा जिल्ह्यातून करतोय म्हणून आपण त्याला वर्धा मोहीम म्हणून दिलेलं नाव। आणि यासोबत मला सहकार्य करणारे अनिल दादा चव्हाण हे आपल्या सोबतच आहेत, आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ब्लड डोनर ग्रुप त्यांनी पण आपल्याला सहभाग केला, फुटपाथ स्कूलचे संचालक मोहित सारे दादा त्यांनी पण सोबत हे केलेलं आहे, आणि अभिराजदारा दाहुले सोबतच सौरभदारा गोडे वगैरे सगळ्यांनी मला एक सपोर्ट केला, त्याबद्दल सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानतो। आणि फक्त हीच अपेक्षा करतो सगळ्या वर्धा जिल्ह्यातल्या लोकांकडून की हर वर्षी मला फक्त याच गोष्टीसाठी सपोर्ट करा आणि ही मोहीम हर वर्षी आम्ही राबवू। यासाठी म्हणजे कोणाकडनं आपण पैशाचे मागणं नाही केलं, ज्यांनी स्वतःहून दिलं त्यांनी दिलं आणि बऱ्याचशा गोष्टी आपण आयोजित केल्या, त्यासोबत ताईसाहेबांनी आपल्या सोबतच्या ग्रुपच्या ताईंनी वगैरे सपोर्ट केलेला आहे रांगोळी काढण्यात किंवा हे करण्यात। आणि सगळ्यांना एक नम्र विनंती करतो की महाराजांसमोर आपण जेव्हा दिवाळी साजरी करतो ना, तर फटाके फोडा, पण फोडल्यानंतर ते साफ करायची जिम्मेदारी तुमच्या सगळ्यांची। बस एक विनंती करतो सगळ्या वर्धावासियांना, कारण की आज जेव्हा मी आलो तर फटाक्याचा पूर्ण कचरा आणि रांगोळी पूर्ण साठलेली होती, तर हे लोक नाही झाडणार, आपण करतो तर स्वतः साथ करायला पाहिजे, हीच एक आव्हान करतो बस। मीओ ने विधायक डॉक्टर पंकज भोयर के साथ दिवाली नाश्ते का आनंद लिया। इस दौरान निर्माणाधीन सभागृह को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज का नाम देने पर सकारात्मक चर्चा की गई। दिवाली के पर्व पर गुरुदेव प्रेमियों ने विधायक डॉक्टर पंकज भोयर के साथ दिवाली के खास नाश्ते का आनंद लूटा।
साथ ही वर्धा नगर परिषद के ठाकरे मार्केट परिसर के अपूर्ण सभागृह को राष्ट्रसंत श्री तुकड़ोजी महाराज का नाम देने पर सकारात्मक चर्चा की गई। वर्धा शहर का ठाकरे मार्केट हृदय स्थान है। यहाँ राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज के नाम से सांस्कृतिक सभागृह निर्माण हुआ तो कई सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल होने की बात गुरुकुंज मोजरी के सर्वाधिकार प्रकाश महाराज वाघ ने कही। वर्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात ठाकरे मार्केट परिसरात अनेक वर्षापासून अर्धवट सांस्कृतिक भवनाची त्या ठिकाणी निर्मिती झाली होती। काल काही गुरुदेव भक्तगण माझ्याकडे आले होते आणि त्यांनी प्रस्ताव मांडला की जर का हे सांस्कृतिक भवन गुरुदेव सेवा मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांस्कृतिक सभागृह त्या पद्धतीने जर का काही उपक्रम सुरू करण्यात आले तर त्या ठिकाणचं वातावरण बदलण्याकरता मदत होईल। त्यांच्या ह्या मागणीची दखल घेत कालच निर्णय घेऊन गुरुदेव सेवा मंडळाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना सहकाऱ्यांना बोलवून त्याच पद्धतीनं नगरपालिकेचे पदाधिकारी नगरपालिकेचे अध्यक्ष अतुलजी कराळे बांधकाम सभापती पवन राऊत यांच्यासोबत या ठिकाणी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आणि सकारात्मक पद्धतीनं जी मागणी गुरुदेव सेवा मंडळाकडून ह्या ठिकाणी करण्यात आली त्या मागणीवर सकारात्मक पद्धतीनं विचार करण्यात आला आणि लवकरात लवकर या ठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांस्कृतिक सभागृहाची निर्मिती वर्धा शहराच्या मध्यवर्ती भागात होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी आम्ही सर्व बाळगतो। आज या ठिकाणी गुरुदेव सेवा मंडळाच्या वतीने नगरपालिकेला एक मागणी करण्यात आलेली आहे। या ठिकाणी वर्धा शहराच्या मध्यभागी असलेले ठाकरे मार्केटचे जे सांस्कृतिक सभागृहाच्या निर्मितीचं जे अर्धवट बांधकाम ज्या ठिकाणी राहिलेलं आहे ते पूर्ण करून त्याला वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजाचं नाव देणे असं या ठिकाणी आज हा विषय झालेला आहे। आपले लोकप्रिय आमदार साहेब यांनी सुद्धा अशा सूचना केलेल्या आहेत त्या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारचं सभागृह निर्मित करावं आणि त्या दृष्टीने आम्ही आता पुढे आता पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आजची जी पिढी आहे ती पिढी अत्यंत गुंतलेली आहे। एका काळामध्ये फार मोठ्या संस्काराने आपला हा देश अनंत विश्वामध्ये जगामध्ये प्राधान्यपूर्व असा हा देश होता आणि या देशातले संस्कार विदेशामध्ये गेले। आज मी पाहतो आहे मला 2 दिवसाच्या आधी विदेशातून फोन आला, छानपैकीची दीपावली तिथे मानल्या गेली, मानणं चालू आहे अमेरिकेला। घरोघरी दिवे लावायचे आहे आणि हे दिवे ज्ञानाचे लावायला पाहिजे, संस्काराचे लावायला पाहिजे, हेसुद्धा जाणीव त्यांना झाली। पण जिथून आजची जी पिढी आहे ही पिढी भरकटलेली आहे। मी या तरुणांना एक हात जोडून विनंती करतो की तुम्ही उद्याचे देशाचे भविष्य आहात, आमचे सगळ्याचे भविष्य आहात आणि तुम्ही जर अशा पद्धतीची वागणूक केली तर आम्हाला दुःख आहे आणि देशाला अत्यंत भारत मातेला याचं दुःख आहे। करिता सगळ्यांनी या दीपावलीनिमित्त आपल्या आपल्याला असलेले जे काही दुर्गुण आहे वाईट व्यसन आहेत त्याला दूर करावे एवढी दीपावली बुद्धीची कामना करून मी माझ्या शब्दाला विराम दिला। आताच्या सणउत्सवामध्ये आयुष दिवाळीचा सण यासाठी साजरा केला जातो की एकमेकाचे सुख दुःख एकमेकाच्या भावना एकमेकाचे विचार प्रत्येक ठिकाणी व्यक्त व्हावे आणि त्यातून काही अडीअडचणी ज्या असतील त्या सोडवण्याचा प्रयत्नही करावा। आदरणीय आमदार साहेबांनी आणि अतुल तराळेजींनी आजचा हा कार्यक्रम मला वाटतं या ठिकाणी आयोजित करून खऱ्या अर्थाने महत्वाची जी अडचण आहे की गुरुदेव सेवा मंडळाच्या सांस्कृतिक भवनाची निर्मिती, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी देशभक्तीला धर्म मानलाय आणि देशाला देव मानलाय, पण धर्म कितीही मोठा असला जर माणसं नसली तर धर्म चालत नसतो आणि म्हणून तर धर्म चालवण्यासाठी माणसं निर्माण करावी लागतात, देश चालवण्यासाठी माणसं निर्माण करावी लागतात आणि त्यासाठी त्यांनी संस्कारक्षम असे सामुदायिक प्रार्थनेचं नियोजन केलं, ग्रामगीता या युगग्रंथाची निर्मिती केली, खंजरी भजनामधून देवधर्माच्या भजनामधून राष्ट्रभक्ती सर्वांच्या हृदयामध्ये त्यांनी रुजवली आणि त्याचा प्रचार प्रसार व्हावा ते सर्वांच्या गळी उतरावं म्हणून आदरणीय आमदार साहेब श्री पंकजजी भोयर आणि नगराध्यक्ष अतुलजी तराळे यांनी जो काही पुढाकार घेतला आहे त्याबद्दल त्यांचा मी मनापासून आभार मानतो आणि त्यांच्या कार्याचं कौतुकही करतो। जय गुरु। अंतर्गत गोसावी अखाड़ा परिसर में घर के बाहर शराब पीने को मना करने पर दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के घरों में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस बीच रॉड लगने से अपने दोस्त के घर दिवाली की बधाई देने आया अपराधी बुरी तरह जख्मी हो गया। शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम आजाद नगर निवासी जफर अब्बास अली बरकत अली है।
जबकि आरोपियों में सूरज तायवाड़े, अनिल कुंभारे, राहुल उर्फ शेंडी, रामदेवपुरी, जितेश अशोकपुरी, शुभम वंजारी, अन्नू अशोकपुरी, शेरा नाम का युवक बताया गया है। सभी गोसावी अखाड़ा परिसर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जफर रात करीब 11:30 बजे गोसावी अखाड़ा परिसर में अपने दोस्त राजा अशोक पाठक के घर बैठा हुआ था। इसी समय राजा का भाई सुंदर अपने दो दोस्तों चित्या और तुषार के साथ परिसर में ही रहने वाली नंदा नाम की महिला के घर के सामने से गुजर रहे थे। तभी आरोपी नंदा के घर के सामने ही शराब पीकर हंगामा मचाने लगे थे। नंदा उन्हें हंगामा करने के लिए मना कर रही थी और वहां से जाने के लिए भी डांट रही थी। इसी समय वहां से गुजर रहे सुंदर ने भी नंदा से कहा कि आरोपियों को भगा देना चाहिए। इस बात से सभी आरोपी सुंदर और उसके दोस्त से विवाद करने लगे। इनमें से एक ने सुंदर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। सुंदर के दोनों दोस्त वहां से भाग गए। सुंदर अपने घर लौटा और जफर व अपने परिवार को सारी बात बताई। कुछ देर बाद सुंदर ने आरोपियों के घर जाकर उससे मारपीट की और गाली गलौज कर लौट आया। कुछ देर में ही सारे आरोपी रॉड लेकर सुंदर के घर पहुंचे और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला कर दिया। सुंदर अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ भागकर एक कमरे में बंद हो गया। इससे पहले कि जफर और राजा संभल पाते, वे भी आरोपियों के हमले की चपेट में आ गए। वहीं घर में मौजूद महिलाओं में दिशा पाठक का पैर और सीता का हाथ टूट गया, जबकि जफर के सिर पर गंभीर चोटें आई। सभी को जख्मी करके आरोपी मौके से भाग गए। किसी ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची। जफर को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि राजा, दिशा और सीता समेत बाकियों को मेयो ले गए। उधर शुक्रवार सुबह जफर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।